Our next Ruby, Royal Swati 26, Mr. and Mrs. Swati Suman. आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, अकलो होश नवीदानम, हम है दिल है हर जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls, put your hands up and say। मेरा नाम स्वाति सुमन है, मैं बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाली हूँ। आज से 4.5 साल पहले मैं इस बिजनेस में आई थी। हालांकि मेरे औरत होने का बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन नहीं था बिजनेस करने का। वो लाख मना करने के बावजूद भी मैं पांडा और सर और दास सर के सहयोग से ये बिजनेस को कंटिन्यू चालू रखी। मेरे हस्बैंड जॉब में हैं, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई हो गया, और सर्विस के दौरान वो डेढ़ डेढ़ महीना दो दो महीना पर घर आते थे। लेकिन अपलाइन के साथ साथ डाउनलाइन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब मैं मुंबई ट्रांसफ़र गई तो कोई मेरा डाउनलाइन या अपलाइन नहीं था, उस समय मैं अकेले थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि शुरुआत में मैं हर प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग अटेंड की थी, जिसको बाइबल पढ़ पढ़ के मैं डाउनलाइन का हिम्मत बढ़ाती गई और ख़ुद भी आगे बढ़ती गई। आज उसी की कृपा है कि मैं उत्तम नगर में 2 मंजिला घर बनवाई हूँ। जब मैं बिजनेस की शुरुआत नहीं की थी तब मेरे पास बाइक भी नहीं था, और शुरुआत में मैं अपने बिजनेस से एक बाइक खरीदी, और यही 10 दिन पहले मैं ग्रैंड आइटन टॉप मॉडल का गाड़ी बुक कर दी हूँ। मेरा गाड़ी आ भी गया है। कौन कहता है औरत बिजनेस नहीं कर सकती है? औरत चाहे तो घर बना सकती है, औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकती है। बोलता है नेटवर्किंग नहीं होता है, नेटवर्किंग औरत का काम नहीं है। जब हम शादी करके ससुराल आते हैं वो भी तो एक नेटवर्क है क्या? हम सास ननद को नहीं जोड़ते हैं? मैं इसी उम्मीद के साथ मैं इस बिजनेस को करती रही। हालांकि मेरे हस्बैंड बार बार मना कर रहे थे, तुमसे नहीं होगा, क्यों तुम इस लपेटे में पड़ती हो, लेकिन आज मैं उसको अपना रिजल्ट दिखा के ही मानी, और आज देखिए उसका रिजल्ट, मैं रूबी बन के इस मंच पर खड़ी हूँ। दुनिया में एक सोच बदलने के कारण कितना बड़ा परिवर्तन होता है वो लोग आप लोग देख रहे होंगे। अगर मैं वो सोच नहीं बदली होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे मेरे घर वाले, मेरे पति मना कर दिए थे, अगर मैं मान जाती उनका बात और मैं नहीं करती तो आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। और आज उस सोच को मैं अपने बरकरार रखते हुए बिना उनसे पूछे फैसला करके आज मैं इसमें अपना हाँ कर दी, तब इस मुकाम को हासिल की हूँ। अगर ना कर देती तो मैं वही सर्विस वाले पैसे से एक रूम में ही रह जाती, ना घर बना पाती, ना जमीन ले पाती, और ना कार आता, ना बाइक आती। सारे शौक दबे के दबे रह जाते। लेकिन मैंने अपने शौक को नहीं दबने दिया, अपने कंप्रोमाइज को हटा दिया इस बिजनेस की वजह से। आप लोगों के सहयोग से ही मैं अगले प्रमोशन में डायमंड बन के ही इस सक्सेस डे में आऊँगी इस मंच पर। थैंक यू।